अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर अली हैदर। और जैसा कि आपसे मेरा वादा था कि हम आपको ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे भी लोगों से मिलवाएंगे कि जिन्होंने सिर्फ घर बैठ के वीडियोस नहीं बनाई, उन्होंने अपने यूट्यूब को चलाने के लिए बस का सफर किया। अब वो बस का सफर है क्या? वो बस का सफर बेसिकली ये होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप मीडिया पे कोई मशहूर प्रोग्राम देखते हैं तो वो स्टूडियो प्रोग्राम नहीं होता, उसके लिए माइक को लोगों के पास लेके जाना पड़ता है। जब आप माइक को लोगों के पास लेके जाते हैं तभी आपका प्रोग्राम मशहूर होता है। इसी तरह यूट्यूब का चैनल भी आपका तभी मशहूर होता है जब आप अपने ऑफिस से, अपने कमरे से, अपने घर से, अपने माहौल से बाहर निकलते हैं, लोगों के साथ जाके इंफॉर्मेशन उनसे लेते हैं और वो फिर लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज हमने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मंसूर फहीम चौहान साहब को, डॉक्टर चौहान साहब को दावत दी है कि हम उनसे पूछें कि उनका यूट्यूब चैनल किस तरह चला। सिर्फ यूट्यूब से कमाना, अर्निंग नहीं होती। बेसिकली अगर मैं मशहूर होऊंगा तो मैं लोगों से अपनी वीडियो का, अपने चेहरे का चार्ज करता हूँ। आए डॉक्टर साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं कि आपने यूट्यूब से अर्निंग कैसे स्टार्ट की। जी थैंक यू, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टाइम दिया अपनी उस प्रोजेक्ट के हवाले से कि जो अभी आप शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मैं हो सकता है कि पहला यूट्यूबर हूँ जिसका आप इंटरव्यू लेने आए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो मैं अपने व्यूअर्स से बात करने से पहले आपको ये बताऊंगा और आपसे ये कहूंगा कि आपका जो चैनल है माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है और उसमें आप मेहनत भी कर रहे हैं। और ये जो आप चीज लेके निकले ना कि बाहर आ जाएं, अब एसी से बाहर आ जाएं, एसी से बाहर आ जाएं, तो ये वाला बड़ा अच्छा काम है क्योंकि जब तक आप बाहर उस कुएं से नहीं निकलेंगे ना तब तक आप बाहर की चीजों का नहीं पता चलेगा कि बाहर कितना पानी है, बाहर कितना पानी है। तो असल सिलसिला ये है कि मैं एक टीवी एक्टर हूँ जी, हम सब उम्मीद से ऐसे मेरा टेन्योर शुरू होता है। उसमें अल्ताफ हुसैन का मैं करेक्टर करता था। जी, जी, जी। उसके बाद फिर चलते चलते 24 न्यूज पे भी काम किया क्योंकि जमहूरियत है। बिल्कुल सही। और जब हम सब उम्मीद से कर रहे थे, 2000 की बात है, तो तब YouTube जो है ना वो स्टार्ट हो रहा था। बिल्कुल सही। लेकिन हमें उस टाइम ख्याल नहीं आया कि YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और उस पर काम करना चाहिए और आने वाले वक्त में आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल सही। जो लोग हमारे उस टाइम जो हमारे दोस्त थे उन्होंने काम शुरू किया, आज वो माशाल्लाह बाकी करोड़ों में कमा रहे हैं। जैसे काफी नाम है, अब मैं डिस्क्लोज नहीं करता। जी, जी जी जी। तो यहाँ ये सिर्फ सिलसिला मैं बताऊंगा जी कि पिछले साल एक साल से ना हमारा जो खबर हार प्रोग्राम है, सब दोस्त मुझे जानते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में मैं काम करता हूँ, तो खबर हार प्रोग्राम एक साल के लिए ना रुक गया था, बिल्कुल स्टॉप हो गया था। तो आफ्ताब साहब ने कहा कि अपना अपना कुछ सिलसिला स्टार्ट कर लें, तो मेरे जहन में ये आया कि ये मार्केटिंग ब्लॉगिंग जो है ना बिजनेस के हवाले से ये बड़ी अच्छी चल रही है। एक चीज यहाँ पे जेन में रखिएगा कि डॉक्टर साहब आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में आते हैं जी, लेकिन दरमियान में जो गैप आया उसमें डॉक्टर साहब ने सोचा कि मैं स्टूडियो से बाहर निकलूं। तो यहाँ पे वो पॉइंट याद रखिएगा कि स्टूडियो से बाहर निकल के इनके दिमाग में आया कि मैं अपने यूट्यूब चैनल की तरफ आऊँ। जी डॉक्टर साहब जी, मैंने फिर अपना एक चैनल स्टार्ट किया। सबसे पहले चैनल का नाम जो है ना वो एक यूनिक होना चाहिए, तो काफी सर्च करने के बाद मुझे बिजनेस वार के नाम से WAR जबरदस्त, ये नाम तो मैंने अपने बच्चों के नाम पे रखा था। W और A और R ये तीन मेरे बच्चों के नाम है माशाल्लाह। और लेकिन ये चैनल ऐसा बन गया जैसे वार जंग होती है, कारोबारी जंग, कारोबारी जंग, तो वो बड़ा अच्छा नाम चल पड़ा और ये यूनिक नाम भी है। आप यूट्यूब पे चेक करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बिजनेस वार के नाम से कोई और चैनल नहीं होगा। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो दोस्तों को कहा कि नाम जो है आपका यूनिक होना चाहिए। एक सब्सक्राइबर था सर मेरा, वो भी मेरा अपना था, अपना था, मैंने सब्सक्राइब किया। उसके बाद मैं चैनल बना के दोस्तों के कहने पे कि बनाना चाहिए, काम करना चाहिए, शालम मार्केट में गया, वहाँ पहले दोस्त को मैंने कहा जी कि वीडियो बनाए मैंने ये, क्योंकि वीडियो ट्रेंडिंग में जाती हैं, काफ़ी ट्रेंड चल रहा था, वीडियो लोग बनवाते थे। तो मैंने एक दोस्त को कहा जी कि मुझसे वीडियो बनवाएं, मैंने भी चैनल बनाया, तो मुझसे कहते हैं जी कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी ये टेंशन होती है सब्सक्राइबर आपके कितने, नए बंदे के लिए वो पूछते हैं जी आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। अगर आपके सब्सक्राइबर हैं 100, 200, 1000, 2000 तो वीडियो नहीं बनवाते। बिल्कुल सही। मैं दोस्तों से ये इल्तमास करूंगा, हमारे जो मार्केटिंग के दोस्त हैं जो बड़ी मार्केट्स में बैठे हैं,
पीआर जो छोटा यूट्यूबर होता है ना उसको आप लोगों ने चलाना होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपकी वीडियो आके बनाता है, आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा होता तो उसको वीडियो बनवाए, कल वो बड़ा यूट्यूबर अगर बनता है तो आपका फिर भी फ्री बनाएगा। नहीं डॉक्टर, इधर मैं थोड़ी सी बात करूंगा यूट्यूब की, यूट्यूब पे हर बंदा मशहूर नहीं होता जी जी, लेकिन एक वीडियो मशहूर हो जाए तो आगे उसकी हर वीडियो मशहूर होती है जी, और जो एक वीडियो मशहूर होती है वो सैकड़ों सब्सक्राइबर वाले की नहीं होती। बिल्कुल, वो एक से दो सब्सक्राइबर भी जिसके है ना वो उसकी वीडियो भी वायरल हो सकती है। बिल्कुल, ये यूट्यूब की रिकमेंडेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपका कंटेंट मजे का है, डिफरेंट है, तो आपके सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते। आदर भाई, यूट्यूब पे ना कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं जो मुझे यूट्यूब का चैनल बनाने के बाद पता चली। पहले तो कोई भी नहीं गाइड करता था, यूट्यूब पे वीडियो भी ऐसी नहीं है कि जिससे पता चल सके प्रॉपर जी जी। तो यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए मैं समझता हूँ कि एक ही चीज है, वो है कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही, एक वीडियो रोजाना आपने देनी ही देनी है, अच्छा कंटेंट है, बुरा कंटेंट है, जो भी है, ये आपकी एक ऐसी दुकान है कि रोजाना आपने शटर उठाना ही उठाना है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ा सा बताइएगा हमें कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्योंकि हमारे देखने वालों को ना सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन होता है कि सर इन्वेस्टमेंट का बताएं, क्योंकि हमारे पास थेला नहीं है जी जी। ये मेन चीज है कि जो आप देखने वालों को बताएंगे कि भाई आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट करो तो कहाँ से काम पहुंच सकते हैं जी। ऐसा ही है, मैंने मेरे पास एक इन्फिनिक्स नोट 10 मोबाइल था, बहुत जबरदस्त, उससे मैंने स्टार्ट किया। एक मैंने सेल्फी स्टिक 550 की ली, तो वो मैं लेके और मोबाइल लेके निकल जाता था। एक K9 के मैंने ये ले लिए माइक ले, वो 3,350 के, तब तो खैर मार्केट में और भी सस्ते मिल रहे हैं, वो मैंने ले लिया और मैं निकल गया। लेकिन जहाँ मुझे इसमें परेशानी ये हुई कि एक तो वो कोई कैमरे सही नहीं थे, नोट 10 के कैमरे अच्छे नहीं थे, वो अजीब सा उनका रिजल्ट आता था, लोग देखते नहीं थे, वीडियो स्किप कर जाते थे। फिर मैंने OnePlus 8T का मोबाइल लिया, उसका 4K रिजल्ट है, उसके बाद मेरा चैनल जो है ना वो चल पड़ा। अच्छा जी जी, ये भी एक बहुत इफेक्टिव चीज है कि आपका मोबाइल जो है, आपका कैमरा जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपके कहने का मतलब कि अगर हमारे पास अच्छा मोबाइल है, हाँ जी, तो हम YouTube का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी, डेफिनेट कर सकते हैं। और माशाल्लाह ये है कि सिर्फ आपको बोलना आना चाहिए, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। आप जिस कंटेंट पे काम करना चाह रहे हैं उसके मतलब का जो भी चैनल बड़े हैं उनके 5-5, 6-6 वीडियो देखें और उनका देखें कि स्टाइल क्या है सवालात करने का, किस चीज के बारे में क्या पूछते हैं। लेकिन इसके बाद आप जब वीडियो बनाने जाते हैं तो स्टाइल आपका अपना होना चाहिए, कॉपी नहीं करनी। बिल्कुल सही, जब आप कॉपी करेंगे आप फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे। फिर यह है कि यूट्यूब आपके वीडियो, जिस वीडियो को वायरल करता है ना उसी के मुतलका कंटेंट बनाए, ना कि सपोज मैंने अंडर गारमेंट्स का भी बनाया, मैंने वॉचेस का भी बनाया, मैंने कपड़ों का भी बनाया, लेकिन मेरी जो वीडियो ऊपर गई है, जो वायरल हुई है, वो शोल्डर की हुई थी। डॉक्टर, ये सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ आगे आपकी कौन सी वीडियो बिकी थी, थोड़ा सा डिटेल से बताइए। सर, मैंने ना शालम मार्केट में काफी काम किया, ठीक है, वीडियो 2000 रुपए गई, कुछ 6000 रुपए, फिर सर्दियां थी, ड्राई फ्रूट की काफी वीडियो बनाई, कुछ 6000 रुपए, कुछ 5000 रुपए, मतलब कोई वायरल नहीं हो रही थी, ठीक है। तो फिर मैं आजम मार्केट गया, आजम मार्केट में मैंने वीडियो बनाई काफी दोस्तों की, वहाँ एक दोस्त है अफजाल साहब, ठीक है, वो मुझे ना बड़ा मतलब ना खुश करते थे इस हवाले से, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उनके लिए आसानियां पैदा करे, बड़े प्यारे इंसान है, यकीन करे। उन्होंने मुझे पूछ किया, वो कहते हैं कि यार आजकल ना सोलर ट्रेंडिंग में है, आप ये छोड़ दो मार्केट, आप हार रोड जाओ, वहाँ सोलर की वीडियो बनाओ। अब सोलर का मेरा जानने वाला कोई ना था, फर्स्ट टाइम मैं हार रोड आया, किसी बंदे को रिक्वेस्ट की, करते करते एक दोस्त जो उन्होंने कहा ठीक है यार आप बना लें, हम बनवाते तो नहीं, लेकिन वो यकीन करें मेरी पहली वीडियो थी, उस पे एक थंबनेल भी अल्लाह की तरफ से अच्छा लग गया, तो वो यकीन करें रातों रात को 5-6 लाख पे पहुंचे। ओ माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो वो 5-6 लाख पे क्या पहुंची, माशाल्लाह मेरे नसीब खुल गए, बहुत जबरदस्त। उसके बाद तो फिर सर चल सो चल है, यकीन करें आप जो भी वीडियो डालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ ना हो रहा तो 10-12-15 हज़ार पे जरूर जाती है। अच्छा डॉक्टर, अब हम बहुत सवाल करने लगे कि अगर आपको यूट्यूब से लेट्स सपोज इतनी अर्निंग नहीं हो रही जी जी, लेकिन जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं, उससे आपको अर्निंग होती है जी जी? बिल्कुल, ये देखिए ना एक तरीका का आ रहा है कि आप कोई कमर्शियल या एड बनवाते हैं ना टीवी के लिए, तो वो आपको पर सेकंड के चार्ज करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना, और वो एक दफा चल जाना, एड खत्म हो जाना, ऐसा ही है। यूट्यूब पे जो आपने वीडियो बनवानी है,
मतलब एड चलवाना है वो वीडियो की तरफ से, तो वो आपका का हयात चलना है, चलना ही चलना। हमने एक दफा आपसे पैसे लेने हैं, कोई मतलब हर बंदे की अपनी एक तरीका कार है पैसे लेने का, कोई 20,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है, कोई 30,000 लेता है, फिर वीडियो का हिसाब होता है, फिर शहर का भी हिसाब होता है ना। अब आप लाहौर से हैं, फैसलाबाद को बुलाएगा या मुल्तान कराची बुलाएगा, तो वो डेफिनेट बात है कि वो ट्रैवलिंग का खर्चा भी है, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल चार्जेस होते हैं जी, हम लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यूट्यूब तो देता ही देता है, लेकिन ये जो चार्जेस होते हैं उससे दो काम होते हैं, एक तो हमारे जो ऊपर वाले अखराजात हैं और दूसरा जो प्रमोशन है, उनकी वीडियो को हम प्रमोट भी करते हैं, ये नहीं है कि सारे खा जाते हैं, उनकी वीडियो को प्रमोट करते हैं कि जिस बंदे ने हमें पैसे दिए हैं उसको कोई फायदा हो, उसको अगर वैसे आने हैं ना 10,000 व्यूज तो जब प्रमोशन पे लगाते हैं वो 30-40,000 पे चली जाती है, और उसका उसको फायदा होता है, वो दोबारा आपको बुलाता है कि मुझे मैंने आपको 30,000 दिए हैं या 50,000 दिए हैं, मैंने 1 करोड़ कमा लिया है, आप दोबारा आ जाए मैं फिर आपको 50,000 देता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जब मुलाकात का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि एक मोबाइल से शुरू होने वाला सफर, एक सब्सक्राइबर से शुरू होने वाला सफर, एक जॉयस्टिक, एक मोबाइल की स्टिक से शुरू होने वाला सफर आज इस मुकाम पे है कि डॉक्टर चौहान साहब अपनी एक वीडियो की प्रमोशन का भी, एक आपकी एक वीडियो की मार्केटिंग का 50,000 रुपया चार्ज करते हैं। सिर्फ यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती इसमें, अगर आप अगर घुस जाए तो ये दरिया है, ये दरिया समुंदर कब बन सकता है ये आपको भी नहीं पता, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप किसी भी चीज में, हमारा तो ईमान है कि अगर हम किसी भी चीज में लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो अल्लाह पाक हमें उसका सिला जरूर देता। अपना बहुत ज्यादा याद रखें, सलाम अलैकुम।